नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं वन इंडिया। अनुराधा पोडवाल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। संगीत जगत में उनकी मीठी आवाज ने विशेष पहचान बना ली थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन सिंगर्स की लिस्ट में शामिल अनुराधा का बचपन मुंबई में बीता, जिस वजह से उनका रुझान शुरू से ही फिल्मों की तरफ रहा। आइए जानते हैं कैसा रहा अनुराधा पोडवाल का सुरीला सफर। 70 का दशक, ये वो दौर था जब एक उभरती हुई गायिका फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने लगी थी। उस वक्त लता मंगेशकर से लेकर आशा भोसले, अलका याग्निक जैसी कई गायिकाएं थीं जो पहले ही गायन के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही थीं। लेकिन एक सिंगर ऐसी रही जिसने इन सभी को कांटे की टक्कर दी और इसी सिंगर को गुलशन कुमार दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। ये गायिका थी अनुराधा पोडवाल, जिसे लोग गुलशन कुमार और टी सीरीज की खोज के नाम से भी जानते हैं। अनुराधा पोडवाल ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1973 में आई अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी स्टारर फिल्म अभिमान से की, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1976 में आई सुभाष घई की फिल्म काली चरण से मिला। इसके बाद अनुराधा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक वो राजेश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और जयदेव जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम करती जा रही थी और हिट गानों के जरिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। सोलो गाने की शुरुआत उन्होंने फिल्म आप बीती से की। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया, जिनके साथ अनुराधा ने और भी कई मशहूर गाने गाए। 27 अक्टूबर 1954 को जन्मी अनुराधा ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए, जिनमें बेटा, सड़क, हम साथ साथ हैं, मन, सिर्फ तुम, आशिकी, इन सभी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने गाए और ये सभी गाने सुपर डुपर हिट रहे। 90 के दशक की सुपरहिट सिंगर बन गई थी अनुराधा पोडवाल। अनुराधा पोडवाल ने पर्सनल लाइफ की घटनाओं के बावजूद भी अपने करियर का ग्राफ नीचे नहीं आने दिया। पति की अचानक मौत की वजह से अनुराधा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन वो फिर भी टी सीरीज के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीत देती रही। सफलता ने अनुराधा के ऐसे कदम चूमे कि आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा जैसी फिल्मों के लिए उन्हें लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। इस दौरान अनुराधा गुलशन कुमार की फेवरेट गायिका बन गई थी। हर जगह और हर मसाले में वो अनुराधा पोडवाल को सपोर्ट करने लगे, जिससे इंडस्ट्री में ऐसी भी खबरों ने आग पकड़ी कि गुलशन और अनुराधा के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि इस पर किसी ने कभी खुलकर बात नहीं की। फिल्मों में अपने सफल गायकी के बाद उन्होंने सिर्फ टी सीरीज कंपनी के लिए ही गाने का फैसला लिया। टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा ये हुआ कि टी सीरीज कंपनी के उस समय के सभी भक्ति गाने और ऑडियो कैसेट्स में अनुराधा की ही आवाज होने लगी, लेकिन इसका फायदा उनके कॉम्पिटिटर्स को मिला, जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में फिल्मों में अधिक गाने गाना शुरू कर दिया। यानी कि अपने पीक पर उन्होंने ये फैसला लिया जो शायद उनके करियर के लिए सही नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया में तम्मा तम्मा गाने का रीमिक्स वर्जन भी अनुराधा ने ही गाया है। सोर्सेस की माने तो इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे हम उम्र विश्वास नहीं करते कि ये गाना मैंने गाया है। वो कहते हैं कि ये गाना आपकी बेटी ने गाया है। आज की पीढ़ी इसी गाने की वजह से मुझसे कनेक्ट हुई है। वाकई कहते हैं, जिसने भी अपने करियर में सफलता देखी है और उसके बाद जब दूसरे लोग उन्हें ओवरटेक करते हैं तब वो बौखला जाते हैं। लेकिन इस पर भी अनुराधा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने शुरू से ही फैसला कर लिया था कि मैं अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर आप ऊंचाई पर पहुँच कर ये सोचने लगते हैं कि अब यही मेरी जगह है, तब दिक्कत होने लगती है। तो ये है अनुराधा पोडवाल और ये है उनकी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।